अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जा रहे हैं सी व्यू, और सी व्यू में भी बहुत से पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट हम लोग आज कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर चलते हैं सी व्यू, और फिर वहाँ चलकर आप लोगों से होती है मुलाकात। सो व्यूवर्स, आज हम लोग यही सोच रहे थे कि कुछ डिफरेंट सा व्लॉग बनाया जाए, तो बस हम लोगों ने यही सोचा क्यों ना आज हम लोग सी व्यू दो दरिया जाएं। तो बस अब हम दो दरिया के लिए निकल पड़े। और मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि दो दरिया मेन सिटी से बहुत ही दूर है, और स्पेशली जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ से दो दरिया पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लगता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पर यह भी बताती चलूँ कि दो दरिया की तरफ ऑटो, टैक्सी और बसेस बिल्कुल नहीं चलती। अगर आपको दो दरिया जाना है तो आपको अपनी कन्वेंस का खुद ही इंतजाम करना होगा। तो इस वक्त हम लोग बहुत ही प्यारी सी जगह पे रुके हैं, और समझ लें दो दरिया दो किनारे से थोड़ी सी दूर है ये जगह, और ये एक पार्क है। बस थोड़ी देर के लिए उतरे हैं, यहाँ पानी वगैरह पियेंगे, फिर आगे चलेंगे। और ये जो पार्क है, सॉरी इसका नाम नज़र नहीं आ रहा कि नाम क्या है, और कभी हम लोग आए भी नहीं हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारी जगह है, लेकिन ये देखिए चारों तरफ का व्यू है ये। बस थोड़ी देर में निकलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं पार्क के अंदर जहाँ पर हम रुके थे, और ये देखिए। हाँ, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा समझ लें फर्स्ट पॉइंट है ये सी व्यू के रास्ते का। तो यहाँ हम रुक गए थोड़ी देर के लिए कि पार्क बहुत प्यारा लग रहा था। तो अभी जो है हमारी गाड़ी थोड़ी गर्म हो रही थी, तो इसलिए फिर गाड़ी यहाँ पर रोकी। तो इत्तेफाक से सामने ही पार्क है ये, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आप लोग जाके पार्क का जब तक राउंड लगा लो और गाड़ी जब तक ठंडी हो जाएगी तो फिर हम आगे दो दरिया तक जाएंगे। तो अभी इरादा हमारा दो दरिया जाने का है, फिर आगे देखें कितना प्यारा है पार्क। बहुत ही प्यारा सा ट्रैक बना हुआ है, खूबसूरत पार्क है। और यहाँ पर दूर से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये राइट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ये सारा पानी है। ये देखिए राइट साइड पर ना पानी नज़र आ रही है, ये सारा दो दरिया का है। तो उस तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह, पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस वक्त शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है, और अब हम जनाब दो दरिया के खासे नज़दीक पहुँच गए हैं। तो दो दरिया के करीब खासी कंस्ट्रक्शन आजकल हो रही है, और ये जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं तो इन्हें ज़्यादातर दुबई के बिल्डर्स बना रहे हैं। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं दो दरिया। आज चूँकि संडे वाला दिन है तो इसलिए आप लोगों को क्राउड बहुत ज़्यादा नज़र आएगा यहाँ पर। तो देखें दो दरिया कितना प्यारा पॉइंट है, और आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं और बिल्कुल सेम हमारे तरह एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बेहतरीन फ़िशिंग पॉइंट भी है, क्योंकि फ़िशरी के हवाले से ये खासा मशहूर है, और यहाँ पर हम लोगों ने ख़ुद बहुत से लोगों को मछलियों को खाना देते हुए भी देखा है। अच्छा, मैं मज़े वाली बात आप लोगों को ये बताऊँ कि इसे दो दरिया तो कहते हैं, तो यहाँ पे दरिया नहीं मिल रहे बल्कि समंदर के 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसी वजह से इसे दो दरिया कहा जाता है। और इन दोनों पॉइंट्स के पानी का कलर भी चेंज है। तो दो दरिया में बोट्स की राइड भी की जाती है। फिलहाल इस वक्त बोट्स नज़र नहीं आ रही। बोट्स तो चल रही हैं लेकिन बहुत दूर दूर हैं, तो कैमरा बोट्स को कैप्चर नहीं कर पा रहा। इसके अलावा ये है कि बोट्स पे बैठ के लोग दो दरिया की ज़बरदस्त सी सैर करते हैं। इसी पट्टी में थोड़े आगे ही बहुत ही अच्छे वाले रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं, जिनमें से कुलाची और कबाब चीज़ वगैरह शामिल हैं। एक बात और ऐड करती चलूँ कि दो दरिया की सी साइड पर बड़े बड़े पत्थर हैं, पता नहीं किस तरह लोग इन पत्थरों पर उतर रहे हैं, और इन पत्थरों के दरमियान होल भी मौजूद हैं, जिन पत्थरों से वाजे तौर पर समंदर नजर आ रहा है, और समंदर भी ठीक ठाक गहरा है। यहाँ पर सच बताऊँ वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जो लोग डिफेंस, क्लिफ्टन, दो दरिया, दो किनारे के करीब रहते हैं उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। यहाँ पर मज़ा बहुत आ रहा है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर हुकूमत इस जगह पर थोड़ी और तवज्जो दे तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नए देखने वालों से ये कहूंगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलें फिर, अब मैं लेती हूँ इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।